हमारे चैनल में फिर से आपका स्वागत है। तो ये चैनल, ये जो व्लॉग है, ये फिर से फूड के बारे में होने वाला है। ये मेरा व्लॉग जो मैंने रिकॉर्ड किया था, वो मैंने किया था बारबेक्यू नेशन जाने से पहले। तो बारबेक्यू और ये 11 स्पाइसेस है, ये पहलवान के बिल्कुल अपोजिट है। इसकी लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इन दोनों में आपको मैं फ़र्क बता देता हूँ। प्राइस में फ़र्क है, उसका वेज था 500 का, इसका वेज है 450 का। नॉन वेज में भी, नॉन वेज मैंने खाया नहीं था, तो मुझे उसका प्राइस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। तो मेन चीज़ें जो बताने वाली हैं, इसके जो स्नैक्स हैं, मुझे बारबेक्यू नेशन के स्नैक्स बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, मैं आपको जेन्युइन रिव्यू दे रहा हूँ। इसके जो स्नैक्स हैं वो बहुत ज़्यादा सही थे स्नैक्स, क्योंकि जब सबसे पहले आप जो चीज़ सबसे पहले देखोगे, जो फर्स्ट फेस आएगा, वही आपको पता लगता है कि कैसी है चीज़। जो इसका फर्स्ट फेस था बारबेक्यू नेशन का, जो इन्होंने स्नैक्स सर्व किए, वो बहुत ज़्यादा डिलीशियस थे। स्नैक्स लगभग सेम ही थे, पर इनके बहुत ज़्यादा टेस्टी थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा। और जो मेरी एक्सपेक्ट किया था मैंने बारबेक्यू नेशन से, कि मैं बारबेक्यू नेशन जाऊँगा, जो इनका स्टैंडर्ड है उस हिसाब से उनका ज़्यादा अच्छा होगा, पर ऐसा हुआ नहीं। मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी वो कम हो गई, क्योंकि बारबेक्यू नेशन के तो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। मैं बारबेक्यू नेशन के खिलाफ नहीं हूँ, पर जम्मू में उन्होंने बिल्कुल अच्छा स्नैक्स नहीं सर्व किए थे हमें। तो यहाँ पे यू मस्ट गिव इट ट्राई। 450 में आप लोग आराम से इतना खाना खा लोगे, क्योंकि खाना एक फेवरेट चीज़ है, और खाना लोग बहुत दबा के खाते हैं, खासकर हमारे जम्मू वाले बहुत दबा के रोटी खाते हैं। तो ये आपके लिए बेस्ट जगह है। चिकन की भी काफ़ी वैरायटी थी यहाँ पे, एज़ कम्पेयर टू बारबेक्यू नेशन। यहाँ पे मुझे लगा खाने की वैरायटी थोड़ी ज़्यादा थी, फूड में स्नैक्स सेम थे, इसके भी 5 थे, उन्होंने भी शायद 5 या 6 सर्व किए होंगे। और इनकी सिर्फ एक ही कॉन है, इनके जो डेजर्ट्स हैं वो कम हैं, इनके 3 से 4 ही डेजर्ट हैं। बाकी ओवरऑल ये मुझे बारबेक्यू नेशन से ज़्यादा अच्छा लगा। अगर आप 11 स्पाइसेस गए हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आप एट लास्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जम्मू में आपको कोई भी जगह पता है जहाँ पे मैं जाके आपको स्ट्रीट फूड या लोकल फूड जिसका मुझे व्लॉग बनाना चाहिए, और जम्मू के बाहर से लोग जो आएँ उनको पता लगना चाहिए हमारे यहाँ पर ये फेवरेट चीज़ें हैं, हमारे यहाँ पर ये स्ट्रीट फूड अच्छा मिलता है, तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। और यहाँ मुझे आप DM भी कर सकते हो, डायरेक्ट मैसेज करके भी बता सकते हो कि आप यहाँ जाके व्लॉग बना सकते हो, तो आई विल रियली अप्रिशिएट दैट। तो थैंक यू फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ माई वीडियो। ये वीडियो थोड़ी सी छोटी है, क्योंकि मेरा फर्स्ट ट्राई था, ये फर्स्ट टाइम व्लॉग बनाया था फूड वाला, तो उस वजह से ये बिल्कुल छोटी वीडियो बनाई है। एंड आई होप आपने ये इन्जॉय की होगी। सो टिल देन नेक्स्ट व्लॉग, थैंक यू एंड बाय बाय।